हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके सेंटर। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 20, जिसमें मिलेंगे आपको पूरे 20 क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज़ आगामी होने वाले एग्ज़ाम UK SSC और UK PSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी सेना के विरुद्ध गोरखाओं का नेतृत्व खलंगा किले में कौन कर रहा था? जब अंग्रेजी सेना ने गोरखाओं पर अटैक किया तो उन्होंने चारों तरफ से गोरखाओं को घेर दिया था, तो देहरादून की तरफ से मेजर जनरल गिलेस्पी युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले खलंगा के किले पर ही आक्रमण किया था। और खलंगा किले पर युद्ध का समय नेतृत्व करने वाले थे बलभद्र थापा। बलभद्र थापा और उनके कुछ वीर सैनिकों ने बहुत ही वीरता से यह युद्ध लड़ा था, जिसमें अंत में बलभद्र थापा की मृत्यु हो गई थी। आज भी उनके याद में अंग्रेजों के द्वारा वहां पर स्मारक बनाए गए हैं, जिसमें बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों का भी स्मारक है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा संधि कब हुई थी? तो अल्मोड़ा संधि हुई थी 27 अप्रैल 1815 को, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से गार्डनर थे तथा नेपाल की तरफ से बम शाह तथा चामू भंडारी नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 1815 को हुई संगोली संधि में किसने हस्ताक्षर किए थे? तो संगोली संधि में हस्ताक्षर करने वाले थे गजराज मिश्र, जो नेपाल के राजगुरु माने जाते थे, और अंग्रेजों की तरफ से थे मेजर ब्रैडशॉ। इन्होंने संगोली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला है, संगोली संधि का अनुमोदन नेपाल दरबार के द्वारा कब किया गया था? 2 दिसंबर 1815 को संगोली संधि के पश्चात जब नेपाली राज दरबार में पेश हुए तो नेपाल के राजा ने संधि को मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने फिर से युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसके कारण ऑक्टर नोली को दोबारा से युद्ध का नेतृत्व करना पड़ा। और अंततः गत्वा 4 मार्च 1816 को नेपाल के राज दरबार ने भी संगोली संधि का अनुमोदन कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, वह गोरखा सेनानायक जो विद्वानों व कलाविदों का सम्मान करता था, तो ऐसा गोरखा सेनानायक था रणजोत थापा। मौलाराम ने किसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी? तो मौलाराम खुद में एक चित्रकार था और रणजोत थापा कलाविदों का सम्मान करता था, इसलिए दानवीर कर्ण की उपाधि भी रणजोत थापा को ही दी थी मौलाराम ने। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने सिखों के किस महंत को कड़ाई दीप की सजा दी थी? तो गुरु राम राय के जो महंत थे हर सेवक दास जी, उन्हें कड़ाई दीप की सजा दी थी। गोरखाओं के काल में कई प्रकार की कष्टदायक व पीड़ादायक सजाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इस कड़ाई दीप में खौलते हुए तेल में हर सेवक दास जी के हाथ डाल दिए गए थे और उन्हें झूठा साबित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कृषकों के प्रति विशेष आस्था रखने वाला गोरखा सेनानायक कौन था? तो कृषकों के प्रति विशेष आस्था रखने वाला था हस्तीदल चौतरिया। अगला क्वेश्चन है, गोरखा काल में मानव क्रय विक्रय का केंद्र कहाँ था? तो गोरखा काल में मानव क्रय विक्रय का केंद्र बना था भीमगौड़ा बैराज, जो कि हरिद्वार जिले में स्थित है। अगला है, रण बहादुर चंद्रिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह रण बहादुर चंद्रिका पुस्तक लिखी है मौला राम ने। अगला क्वेश्चन है, किस गोरखा सेनानायक के समय उर्वरता के आधार पर भू कर की व्यवस्था की गई थी? उस समय उर्वरता के आधार पर भूमि को 5 भागों में भी बांट दिया गया था, तो वे थे काजी बहादुर भंडारी। इनके समय में उर्वरता के आधार पर
भू कर की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गोरखा सैनिकों के द्वारा जनता से कर वसूलने का नियम क्या कहलाता था? तो कर नियम कहलाता था बलि। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल गोरखा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल उस टाइम थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इन्होंने ही गोरखाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब स्थानांतरित की थी? तो वह की थी सन 1840 में, क्योंकि पौड़ी श्रीनगर के मुकाबले थोड़ा ठंडा था, इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी पौड़ी में 1840 में स्थानांतरित कर दी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर, ये तो देशांतरीय विस्तार हुआ, जबकि 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर के और 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक उत्तराखंड राज्य का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के प्रथम गवर्नर की नियुक्ति कब हुई थी? तो कुमाऊं पर अंग्रेजी अधिकार के बाद अंग्रेजों ने वहां पर कमिश्नर की नियुक्ति की थी। कमिश्नर की नियुक्ति इन्होंने करी थी 3 मई 1815 को, और पहले कुमाऊं कमिश्नर बने थे एडवर्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं पर विजय के बाद अंग्रेजों ने किस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था? तो अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में अलकनंदा व काली के बीच के क्षेत्र को ले लिया था, जबकि अलकनंदा के पश्चिमी भाग को इन्होंने दिया था सुदर्शन साहब को। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नर गार्डनर ने कुमाऊं में कितनी तहसीलें व थानों की स्थापना की थी? तो गार्डनर ने कुमाऊं में 7 तहसील और 5 थानों की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के द्वितीय कमिश्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? तो कुमाऊं कमिश्नर गार्डनर के बाद द्वितीय कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभालने वाले थे जॉर्ज विलियम ट्रेल, जिन्होंने 1817 में कार्यभार संभाला था। इससे पहले जब कुमाऊं कमिश्नर गार्डनर थे उस समय पर भी विलियम ट्रेल इनके असिस्टेंट के रूप में, सहायक के रूप में कार्य करते थे गढ़वाल के क्षेत्र में, लेकिन जुलाई 1817 से इन्हें कुमाऊं का द्वितीय कमिश्नर नियुक्त किया गया। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए, एग्ज़ाम भी आपके जल्द ही होने वाले हैं। धन्यवाद।